स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश ने और आज का जो टॉपिक हम लोगों का है यहाँ पे केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है, कुछ ऐसे वैकेंसी है जो कॉमर्स से रिलेटेड है, उस सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि क्लास 11-12 बेस आपका जो फॉर्म निकला हुआ है अभी, तो उसके लिए आपका 11-12 का ही ऑल चैप्टर आपको पढ़ना है। सभी क्वेश्चन जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव में आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव भी मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो चलिए, आप हमारे चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर जो है वो 7482888824 इस नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है आपको, यहाँ पे टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, सभी में आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, केस फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज ड्यू टू, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज ड्यू टू, तो ये क्या है, डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक और इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। तो मैं आपको बता दूँ, हम लोग करेंट एसेट्स जब बढ़ जाता है, ठीक है, प्लस करेगा तो वहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किस पे, नेट प्रॉफिट पे, है ना। जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो जब करेंट एसेट्स प्लस हो जाता है तो हम लोग प्रॉफिट में क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। और जब करेंट एसेट्स जब यहाँ माइनस होता है तो इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंक्रीज ड्यू टू, है ना, ये इंक्रीज ड्यू टू, तो इंक्रीज कब करेंगे, यहाँ पर देखिए ये प्लस कब किया, जब यहाँ पर माइनस हुआ तो यहाँ पर डिक्रीज इन स्टॉक, क्यों, क्योंकि स्टॉक क्या है, करेंट एसेट्स है ना, तो डिक्रीज बोला, तो डिक्रीज इन स्टॉक होगा यहाँ पे। और डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, ये आपका ऑप्शन नंबर, डिक्रीज इन स्टॉक और डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल दोनों यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोनों रहता है, बोथ ए एंड डी, तो आपका राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज करेगा तो उसको भी हम लोग एड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, हम लोग यहाँ पे कहाँ से हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो देखिए बैलेंस शीट से, प्रॉफिट एंड लॉस से, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से, तो ये तीनों दिया हुआ रहेगा आपका, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये तीनों से हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन विल डिक्रीज ड्यू टू, जब डिक्रीज करेगा कब, जब इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, ओके, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स यहाँ पे राइट आंसर होगा, लेकिन डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज होगा तो पर भी डिक्रीज होगा, ठीक है, यहाँ पर डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज भी दे रखा है तो भी होगा, तो आपका बोला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन विल बी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, ठीक है, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल रिजल्ट इन, देखिए जब बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट इंक्रीज करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, तो डिक्रीज इन कैश, है ना, कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन कैश हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैश, नॉट अ कैश आउटफ्लो, यहाँ पे देखिए इसमें से क्या है जो कि कैश आउटफ्लो नहीं है, ये आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो, तो यहाँ पे देखिए, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेज, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज जो है वो आउटफ्लो कैश आउटफ्लो नहीं है, ठीक है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या हो रहा है, मतलब ये एक्सपेंसेज ऐसा है जो कि आउटस्टैंडिंग है, अभी तक आपने पे नहीं किया है, तो ये इंक्रीज करेगा तो ये आउटफ्लो नहीं होगा। बाकी बात देखिए यहाँ पे, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज जब इंक्रीज करेगा तो ये आउटफ्लो होगा, इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक जब इंक्रीज करेगा तो आउटफ्लो होगा, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल तो भी आउटफ्लो होगा, क्लियर है ना। मतलब जब करेंट एसेट्स इंक्रीज करता है, करेंट एसेट्स ये आपका तीनों दिख रहा है ना, ये करेंट एसेट्स है, और यदि वो इंक्रीज करता है यानी प्लस करेगा तो वो कैश आउटफ्लो होगा, ठीक है, और जब माइनस करेगा तो कैश इनफ्लो होगा, समझ में आया। तो यहाँ पे एक ही है आपका, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इंक्रीज करेगा तो आउटफ्लो नहीं होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लोज,
इसका बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस इन क्लोज, क्या होगा बताइए? परचेज ऑफ फ्रीड एसेट्स, सेल ऑफ गुड्स, इशू ऑफ डिवेंचर, सेल ऑफ फ्रीड एसेट्स। तो परचेज ऑफ फ्रीड एसेट्स, देखिए तो यहाँ पे जो होगा वो परचेज ऑफ फ्रीड एसेट्स है ना। जब फ्रीड एसेट्स आप परचेज कर रहे हैं तो पैसा आपका क्या होगा, जाएगा ना, तो इनफ्लो कहाँ से होगा? तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक्वाजेशन ऑफ एसेट्स और एक्वाजेशन ऑफ एन इंटरप्राइजेज बाय मींस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर इज, तो ये नॉन कैश, क्या होगा? नॉन कैश ऑप्शन आपका। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज, तो ये क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मार्केटेबल सिक्योरिटी इज ट्रीटेड एज, तो ये क्या होगा? कैश इक्विवेलेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा यहाँ पर। क्लियर है? एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो ये क्या होगा? इशू ऑफ डिवेंचर, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कैश, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे ये क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, बाय नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है ना, ये नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसका क्या होगा एग्जाम्पल में? तो यहाँ पे देखिए, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ऑपरेटिंग में चला जाता है, कमीशन रिसीव ये भी ऑपरेटिंग में चला जाता है, रिपेमेंट ऑफ कैश फॉर परचेज ऑफ फ्रीड एसेट्स, तो ये आपका इन्वेस्टिंग में आता है, डिविडेंड पेड ये तो आपका इसमें आएगा फिनांसिंग में। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो ये क्या होगा? पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में। तो यहाँ पर मैंने भी बताया था ना, डिविडेंड पेमेंट करते हैं तो वो आपका कहाँ पे जाता है? फाइनेंसिंग में जाता है। ठीक है, रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड इन ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा आपका इन्वेस्टिंग में। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये आपका ऑपरेटिंग में जाएगा, मतलब क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये किस में जाता है? तो इन्वेस्टिंग में जाता है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर जो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, मतलब कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड आता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, कंपनी रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 2x ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी शेयर, इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी इट विल बी क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, तो ये होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पे डिविडेंड रिसीव कर रहा है, ठीक है, डिविडेंड रिसीव करेगा ना तो ऑपरेटिंग में जाएगा, डिविडेंड पे करेगा ना तो आपका फाइनेंसिंग में जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में यहाँ पे नहीं आएगा, इन्वेस्टिंग में एसेट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप यदि हमारे चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।